एंटेनास और प्रोपगेशन की बात करेंगे आज, जिसमें एंटीना है क्या बेसिकली, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स है जिसमें ट्रांसमिशन है, रिसेप्शन है, यानी कि ट्रांसमिशन ये रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेस में, और ये रिसीव करता है, कलेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेस से। तो ये दो वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन में जो सेम एंटीना है, ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। रेडिएशन पैटर्न्स की बात करें तो रेडिएशन पैटर्न में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेडिएशन प्रॉपर्टीज का एंटीना के, जैसे अगर आप इस तरीके से देखते हैं कहीं पे, तो ये आपको बताता है कि ये इसकी ग्राफिक प्रॉपर्टी है रेडिएशन पैटर्न की। और ये टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन में दिखाया जाता है जैसे आप ये देख रहे हैं। और बीम विड्थ ये मेजर है आपकी डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना का, अब इसके बारे में और बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रिसेप्शन पैटर्न यानी कि रिसीविंग एंटीना विच इज इक्वल टू रेडिएशन पैटर्न, जितना रिसीव हो रहा है रिसेप्शन पैटर्न क्या है इसका, जिस तरीके से रेडिएशन पैटर्न है उस तरीके से रिसेप्शन पैटर्न होता है। अब टाइप्स ऑफ एंटीना में देखिएगा, एक तो आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है जिसे आइडियलाइज्ड कहते हैं, एक एंटीना जो पूरी ओर चहुं ओर ओमनी डायरेक्शनली सब सारी डायरेक्शन में पावर इक्वली हर एक डायरेक्शन में रेडिएट करता है, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो यहाँ पर भी वही पावर मिलेगा, और इस पॉइंट पे खड़े हैं तो यहाँ पर भी यही पावर मिलेगा, ये दोनों एक डिस्टेंस पे है। तो डायपोल एंटीना में आपके पास हर्ट्ज एंटीना है, मार्कोनी एंटीना है, डायपोल एंटीना में हाफ वेव डायपोल एंटीना है जिसे हर्ट्ज एंटीना कहते हैं, क्वार्टर वेव वर्टिकल एंटीना है जिसे मार्कोनी एंटीना भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपने बहुत टीवी स्टेशन वगैरह में देखा होगा बड़ी बड़ी तश्तरियाँ लगी होती हैं, उसे हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव एंटीना कहते हैं। आपके जो टीवी आता है आपके, इसमें अगर सेटेलाइट से आ रहा है, जैसे आपके पास टाटा स्काई है या फिर आपके पास कोई और वोडाफोन या एयरटेल नेटवर्क है, तो वो जो टीवी आ रहा है आपका, वो आपके जो तश्तरी लगी है ऊपर छोटी सी, वो भी इसी श्रेणी में आती है। एंटीना गेन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ डिस्कस करेंगे डायरेक्टिविटी, तो ये डायरेक्टिविटी एंटीना गेन कैसे बताती है। एंटीना गेन का मतलब होता है पावर आउटपुट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पावर आउटपुट पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपेयर्ड, अब ये अपने आप के पावर के पावर की वैल्यू नहीं है, ये पावर जितनी भेजी जा रही है, और ये कंपेयर टू द पावर ऑफ ओमनी डायरेक्शनल यानी कि आइसोट्रॉपिक एंटीना। तो पावर जो इस ये एंटीना भेज रहा है डिवाइडेड बाय, मान लीजिए एंटीना ए है और कोई आइसोट्रॉपिक इसी जगह पर रखा है उसकी पावर, तो पावर जो ये भेज रहा है, पावर जो आइसोट्रॉपिक भेज रहा है। अच्छा देखिए, जब ये डायरेक्टिविटी है तो क्योंकि यहाँ यहाँ पावर नहीं जा रही है, बहुत बहुत कम जा रही है, यहाँ सारी की सारी पावर जा रही है, इसका मतलब पावर इसकी ज्यादा होगी, और आइसोट्रॉपिक अगर यहाँ पर होता तो उसकी सब जगह जाती, तो यहाँ पावर इसकी कम होती। तो हमेशा पावर एंटीना गेन इस ये रेशियो है, और जितना ज्यादा वैल्यू आएगी उसे हम एंटीना गेन कहते हैं। तो पावर आउटपुट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि किसी और डायरेक्शन में, अगर आप सारे डायरेक्शन में आइसोट्रॉपिक एंटीना को देखें उनका डिवीजन अगर लें, तो एंटीना गेन वही होता है। इफेक्टिव एरिया क्या होगा, जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं और सारे आप अलग अलग एंटीना देखेंगे, तो उसका फिजिकल साइज क्या है, शेप क्या है, उसे हम इफेक्टिव एरिया कहते हैं। तो अगर हम एंटीना गेन को फॉर्मूला में लिखना चाहें, तो रिलेशनशिप जो एंटीना गेन और इफेक्टिव एरिया की होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आपका एंटीना गेन होगा 4 पाई AE, ये आपका AE जो है वो इफेक्टिव एरिया है, यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट है, और नीचे आप लैम्डा स्क्वायर करेंगे, लैम्डा जो होता है वो जो होती है वो कैरियर वेवलेंथ है, तो सी इज इक्वल टू एन लैम्डा एफ लैम्डा कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप फ्रिक्वेंसी के रूप में लिखना चाहें, तो लैम्डा की जगह आप सीधा सी इसको रिप्लेस करते हैं सी बाय एफ होल स्क्वायर से, तो एफ स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई एफ स्क्वायर AE बाय सी स्क्वायर। ये आपका एंटीना गेन और इफेक्टिव एरिया में रिलेशनशिप है। स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रोपगेशन मोड्स की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं मोड्स, एक ग्राउंड वेव होता है, एक स्काई वेव होता है, एक लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होता है। तो ग्राउंड वेव की बात करें तो ये ग्राउंड वेव देखिए, ये अर्थ कर्वेचर का कंटूर को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ा एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे आप बातचीत कर सकते हैं, और ये जो ग्राउंड वेव है ये इसको फॉलो करती है। अब इसके लिए हर एक प्रोपगेशन के लिए फ्रिक्वेंसीज हैं कुछ, उस फ्रिक्वेंसी पे ही ये बात हो पाती है। ये जैसे मैंने बताया आपको, ये कंटूर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर ऑफ द अर्थ को फॉलो करती है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, और ये काफ़ी अच्छे डिस्टेंसेस तक आपसे बात आपकी बात हो सकती है। इसे जो फ्रिक्वेंसी करीबन 2 मेगाहर्ट्ज़ तक, यहाँ तक आपको ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए उपयोगी है, जैसे AM रेडियो में जो उपयोग होता है वो यही। स्काई वेव प्रोपगेशन का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास जो ऊपर की अर्थ एटमोसफेयर है उसमें काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे आइनोस्फियर है और भी, तो वहाँ पर क्या होता है, आप जब ये भेजते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं अपने प्रोपगेशन को, यानी कि अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जाती है टकराती है वापस आती है, फिर ये टकरा के ऊपर जाती है, फिर टकरा के नीचे आती है। तो ये तरीका जो है, इससे क्या होता है कि आप बहुत बड़े डिस्टेंस तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जो सिग्नल है उसे पहुंचा सकते हैं। तो इसे हम स्काई वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। इस स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है आयनाइज लेयर से, तो एटमोसफेयर में बैक फोर्थ जाने से काफ़ी डिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो नंबर ऑफ हॉप्स मतलब टकराना वापस जाना आयनोस्फेयर से, इसको ये नंबर ऑफ हॉप्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन
आपको रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है, क्योंकि आप अलग अलग लेयर्स है, सबकी दोनों की डिस्टेंसिटी अलग है, तो कहीं किसी ने जगह जाके वो टकरा जाती है, आयनोस्फीयर से जाके टकरा के वापस आ जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन भी आपको मिलता है। रिफ्लेक्शन इफेक्ट रिफ्लेक्शन के कारण, जैसे एमेच्योर रेडियो है, सीबी रेडियो है, ये सब स्काई वेव प्रोपगेशन का यूज करते हैं। फिर है आपका लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, अगर एक दूसरे को दिखना चाहिए, दोनों एंटीना एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ऐसे नहीं एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, इसका वर्चुअली दिखना चाहिए ना, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं टकरा के इससे पहुंचना चाहिए। अगर ना भी एक के सामने हो तो वर्चुअल तो दिखना चाहिए, सामने हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइन ऑफ साइट का मतलब तो सामने सामने, बट वर्चुअली भी दिखना चाहिए अगर बाई चांस इतने दूर है कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। तो लाइन ऑफ साइट जो प्रोपगेशन है विद इन लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये 30 मेगाहर्ट्ज जो है, अगर आप इससे ऊपर करेंगे सिग्नल को तो वो आपका एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस आ ही नहीं पाएगा, तब क्या करेंगे आप उस केस में? आप ग्राउंड कम्युनिकेशन तो एंटेना आपको रखने पड़ेंगे इफेक्टिव लाइन ऑफ साइट में, ताकि आप रिफ्रैक्शन के थ्रू बात कर सकें। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है बेंडिंग ऑफ माइक्रोवेव्स बाय द एटमॉस्फेयर। वेलोसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमेशा डेंसिटी ऑफ द मीडियम की फंक्शन होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसी वेव मीडियम चेंज करेगी स्पीड चेंज हो जाएगी, और अगर बाउंड्री आती है मीडियम्स की तो उसके बीच में वेव बेंड भी हो सकती है। लाइन ऑफ साइट की इक्वेशन आपकी बड़ी इजी है, ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट होती है d = 3.57 अंडर रूट h, और इफेक्टिव जो लाइन ऑफ साइट होती है उसमें आप ये k का फैक्टर भी ले आते हैं अंडर रूट kh। k कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट फैक्टर है, रिफ्रैक्शन के लिए उपयोगी है, मतलब रिफ्रैक्शन को देख के इसको उपयोग किया जा सकता है, और रूल ऑफ थंब है कि 4/3 लेते हैं इसको। d आपका डिस्टेंस है एंटीना हॉरिजन में, ये एंटीना है, ये हॉरिजन मतलब क्या है, ऐसा पहाड़ जो इसको रोक दे कम्युनिकेशन को, तो इसके ऊपर वाला मतलब ये जो हाइट है ना, इसके बारे में बात हो रही है, ये सॉरी यहाँ से डिस्टेंस की बात हो रही है, हाइट तो इसकी है, हाइट ऑफ द एंटीना हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, एच ओ डी हो गया, के आपका 4/3 हो गया, तो इफेक्टिव ये रेडियो लाइन ऑफ साइट d = 3.57 अंडर रूट kh। लाइन ऑफ साइट इक्वेशन में अगर देखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस दो एंटीना लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए तो होता है 3.57, फिर अंदर होता है अंडर रूट kh1 प्लस अंडर रूट kh2, हाइट ऑफ एंटीना 1 हाइट ऑफ एंटीना 2, ये लाइन ऑफ साइट इक्वेशन है। अब लाइन ऑफ साइट वायरलेस ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स भी होती है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है ट्रांसमिशन में जो जो खलल पैदा होगी, जो जो चीजें ऐसी होगी जो आपके सिग्नल को डिजनरेट करेंगी, तो उसमें एटेन्यूएशन है, जिसे हम एटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। अब फ्री स्पेस में भेज रहे हैं तो वहाँ भी लॉस होगा, अलग अलग चीज़ें हैं फ्री स्पेस लॉस में, फ्री स्पेस में तो लॉस तो होगा, नॉइस है, अब्जॉर्ब अब एटमॉस्फेयर है वो अब्जॉर्ब भी करेगा कुछ आपके सिग्नल्स को, मल्टीपाथ है, कहीं इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, कहीं यूं करके पहुंचेंगे तो मल्टीपाथ होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, कुछ चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, कुछ बैंड हो जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी। थर्मल नॉइज़ जो हमेशा रहती है, देखिए करके सबके बारे में बात करेंगे। एटेन्यूएशन का मतलब यह है कि अगर आपका सिग्नल यूँ जा रहा है तो किसी एक पॉइंट पर जाके ये इसकी एनर्जी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस के हिसाब से जो स्ट्रेंथ कम होती है उसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं। एटेन्यूएशन जो अनगाइडेड मीडिया है, जैसे अगर आपने हवा में छोड़ दिया, हवा में आपने वेव्स भेज दिए, सिग्नल भेज दिए, तो एटेन्यूएशन फैक्टर अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि जो रिसीव सिग्नल है इतना इतना उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो रिसीविंग सर्किटरी है वो उसको समझ सके, सिग्नल को समझ सके, जिसे हम रिसीवर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो एक उसके अलावा क्या होता है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कभी भी सिग्नल आपका नॉइस से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा सिग्नल नॉइस से ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि नॉइस ही पढ़ लें, नॉइस एज ए सिग्नल आप पढ़ लें। और एटेन्यूएशन हमेशा ज्यादा फ्रिक्वेंसी, अगर हायर फ्रिक्वेंसी है तो एटेन्यूएशन ज्यादा होगा और जिससे डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा। ये फ्री स्पेस लॉस का फॉर्मूला है, यानी कि आप फ्री स्पेस अनगाइडेड मीडिया है कहीं भी भेज दीजिए, आपका जो स्पेस है उसमें लॉस ही होगा, पीटी बाई पी आर, ध्यान दीजिएगा, ये फ्री स्पेस लॉस आइडियल आइसोटोपिक एंटीना के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। जैसे पीटी आपका है सिग्नल पावर है ट्रांसमिटिंग एंटीना, पीआर आपका है सिग्नल पावर एट रिसीविंग एंटीना, तो इस चीज का फॉर्मूला होता है 4πd होल स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के रूप में इस तरीके से होता है, और सारी चीजें आपको पता है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन पीटी और पीआर यहां पर सिग्नल पावर एट ट्रांसमिटिंग एंटीना है, सिग्नल पावर एट रिसीविंग एंटीना है। अब अगर फ्री स्पेस लॉस है, इनको आप डीबी में देखना चाहें, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें हम पावर से रिलेटेड जो है डीबी में ही करते हैं, आपके कम्युनिकेशन साइंस में यानी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में मोस्टली डीबी ही हम यूज करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्री स्पेस लॉस इक्वेशन में यहाँ पीटी बाई टीआर, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसको 10 log base 10 पीटी बाई पीआर कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे तो आपको अगर लॉग में देखेंगे तो ये फॉर्मूला निकल आएगा। अब फ्री स्पेस लॉस में जैसे हमने देखा कि ये क्या होता है, अगर हम गेन ऑफ, आपने गेन का भी फॉर्मूला देखा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, गेन क्या होता है, और गेन अगर आप रखेंगे गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना और पीटी बाई पीआर निकालेंगे तो आपकी फॉर्मूला ये बन जाए। अब इसमें आप दोबारा वही काम करिए, फ्री स्पेस लॉस है ये, जहाँ पर आप अकाउंटिंग फॉर गेन ऑफ अदर एंटीना, तो उसको रिकास्ट कैसे करेंगे आप, इसके लिए डीबी से निकाल लीजिए दोनों साइड, मतलब आपको ये करना है 10 log 10 और पीटी बाई पीआर, तो ये चीज़ आप करेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला ये आ जाएगा, ये आपका एरिया के टर्म्स में आ जाएगा।
अब नॉइस के बारे में बात करेंगे तो नॉइस भी बहुत सारी है। जो नॉइस यानी कि नॉइस वो चीज होती है जो हमारा सिग्नल नहीं है वो नॉइस है, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, तो थर्मल नॉइस हो सकती है। थर्मल नॉइस क्या होता है? थर्मल नॉइस आपको हमेशा मिलेगी, मैं उसके अभी आगे आएगा, मैं इसको तफसील से बताऊंगा। थर्मल नॉइस से पहले समझ लीजिए कैटेगरी ऑफ नॉइस में क्या होगा। थर्मल नॉइस होगी, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस होगी, क्रॉस टॉक होगा, इंपल्स नॉइस होगी। थर्मल नॉइस क्या होती है? हर एक डिवाइस में थर्मल नॉइस होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन का एजिटेशन होगा उसके कारण होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन डिवाइस में ट्रांसमिशन मीडियम आपको जरूर मिलेगा, इसको हटा नहीं सकते आप, यू नॉट एलिमिनेट इट, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन अपने एजिटेट होंगे और थर्मल नॉइस क्रिएट होगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है। अब इसका अगर एक हर्ट्ज के लिए लेना चाहे तो कितना थर्मल नॉइस आएगा किसी बैंडविड्थ के लिए, जो बैंडविड्थ हम 1000 हर्ट्ज मान रहे हैं, तो वो बड़ा सिंपल है, N0 = kT। ये वाट्स पर हर्ट्ज में आता है। N0 में नॉइस पावर डेंसिटी है, वाट्स पर हर्ट्ज में। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो 1.38 × 10⁻²³ है। टी आपका टेम्परेचर है लेकिन केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इसी को आप बी, जो मैंने 1 हर्ट्ज माना था उसको बी हर्ट्ज मान ले, तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? N = kTB। तो नॉइज है ये हमेशा, दिस नॉइज ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। थर्मल नॉइज बैंडविड्थ किसी एक बी बैंडविड्थ के लिए होगी, होगी N = kT B। इसका लॉग ले लीजिए, यानी कि आपको इसको डीबी में निकाला है तो लॉग ले लीजिए, जो एक्सप्रेशन वो इस तरीके से आ जाएगा। अब नॉइस की टर्मिनोलॉजी लिखिएगा, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस। अगर आपके पास अलग अलग डिफरेंस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है, एक ही मीडियम शेयर कर रहे हैं, इसे हम नॉइस इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस कहेंगे। तो जो रिजल्ट होगा वो कभी ये दोनों जुड़ जाएंगे, कभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो सम और डिफरेंस दोनों चीजें इसमें आएगी। क्रॉस टॉक का मतलब है अनवॉन्टेड कपलिंग बिटवीन सिग्नल पाथ। जो हम जो सिग्नल पाथ है उसमें जो हम चाहते नहीं और कपलिंग हो रही है उसे क्रॉस टॉक कहते हैं। इंपल्स नॉइस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये सिग्नल है और फटाक से कोई ऐसी चीज आ गई, यू नो, एक इररेगुलर पल्स या नॉइस स्पाइक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रही है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है या फॉल्ट या फ्लॉ है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इनको हम इंपल्स नॉइस कहते हैं। अब EB/N0 देखिए, जो रेशियो है V/N0 रेशियो है सिग्नल एनर्जी पर बिट, EB इसलिए कह रहे हैं इसको, एनर्जी पर बिट EB, और ये नॉइस है, नॉइस पावर डेंसिटी पर हर्ट्ज। तो ये जो एस, इसको लिखते हैं S/R/N0 S/KTR, तो बिट एरर रेट जो है डिजिटल डेटा का, ये एक फंक्शन है EB/N0 का, इसलिए हम डिजिटल डेटा की बात जब करेंगे तो EB/N0 भी देखेंगे। तो अगर आपको EB/N0 मिला हुआ है टू अचीव सर्टेन डिजायर रेट, अगर आपको कोई डिजायर एरर रेट चाहिए, तो इस फॉर्मूला का पैरामीटर आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही आप R इंक्रीज करेंगे तो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो उसका पावर, सिग्नल पावर वो भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप EB/N0 मेंटेन कर सकें। ये देखिए, अगर आप प्रोपोगेशन देखें तो उसमें तीन चीजें हो सकती है। एक मान लीजिए यूं गया आपका प्रोपोगेशन और यहाँ पर आपको बैंड मिला और ये इसकी जो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है, तो यहाँ पर ये बैंड हो जाएगा। यहाँ पर आपने भेजा और यहाँ पर इसका साइज वेवलेंथ इस लैम्पोस की साइज के बराबर है, तो इसे स्कैटर कर देगा रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर जाएगा, मीडियम चेंज है ऐसा तो ये वापस आपको भेज देगा। तो ये तीन टाइप की आपकी मल्टीपाथ प्रोपोगेशन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। तो रिफ्लेक्शन तब होता है जब सिग्नल एक एक्को ऐसा सरफेस मिलता है वो इतना उसकी इतना बड़ा है, जो वेवलेंथ है उससे सिग्नल की वेवलेंथ से ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। और रिफ्रैक्शन तब मिलता है कि आपका एक बॉडी मिली उसको जिसको पेनेट्रेट तो कर नहीं सकता और इसका जो वेवलेंथ है वो भी इससे ज्यादा है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि जब इनकमिंग सिग्नल किसी ऑब्जेक्ट को टकराता है उसका साइज जो है वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ सिग्नल होता है, तो ये उसको स्कैटर कर देता है। तो मल्टीपाथ प्रोपोगेशन इफेक्ट, मल्टीपाथ प्रोपोगेशन के इफेक्ट क्या होते हैं? अब मल्टीपाथ प्रोपोगेशन मतलब ये कि एक तो ऐसे मिला आपको, एक और जगह टकरा के मिला, तो एक ही सिग्नल, अगर आप जो सिग्नल है वो अलग अलग डायरेक्शन से होके आ रहे हैं तो वो जुड़ भी सकते हैं। अगर जुड़ जाएंगे वो और वो या आउट ऑफ फेज मिले तो आपको आपका जो एक्चुअल सिग्नल है उसको भी खराब कर देंगे। इसी तरीके से ISI होता है। ISI क्या है? इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, यानी कि जो डिलेड कॉपीज है, जैसे आपने भेजे को डिलेड कॉपीज, वो उस समय पहुंच रही है जिस समय आपका एक्चुअल सिग्नल आ रहा है, तो इसलिए वो उसको खराब कर सकता है, प्राइमरी पल्स फॉर सबसिक्वेंट बिट, तो वो उसको खराब कर सकता है, इसे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हमारे पास फेडिंग है अलग अलग टाइप की, फास्ट फेडिंग, स्लो फेडिंग, फ्लैट फेडिंग, सिलेक्टिव फेडिंग, रिले फेडिंग, रीशन फेडिंग। एरर कंपनसेशन मैकेनिज्म भी है, जैसे फॉरवर्ड एरर करेक्शन है, अडैप्टिव इक्वलाइजेशन है और आपका डाइवर्सिटी टेक्निक है। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होता है? हम क्या करते हैं, एरर करेक्टिंग कोड भेजते हैं, ट्रांसमीटर एड्स, मतलब जो भी डेटा ब्लॉक होगा उसके साथ हम ये ECC ऐड कर देते हैं। फिर जो कोड है, कोड इज अ फंक्शन ऑफ डेटा बिट्स, जो डेटा बिट्स है तो कोड जो जा रहा है डेटा उसके साथ आपका ECC जा रहा है। तो रिसीवर क्या करेगा, इस ECC को लेगा जो डेटा बिट्स के साथ आ रहा है, वो देखेगा कि मेरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा जो मेरे पास है, नहीं है
तो वो उसे हटा देगा, नहीं तो अगर मैच कर गया तो बोलेगा ठीक है, और नहीं मैच हो रहा है तो उसको एरर देखेगा और करेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसे हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहते हैं। एडेप्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दिस कैन बी अप्लाइड टू ट्रांसमिशन दैट कैरी एनालॉग और डिजिटल कन्फर्मेशन, ये दोनों की जगह लगता है, चाहे एनालॉग डिवाइस हो, वॉइस हो या वीडियो हो, चाहे डिजिटल डेटा हो या डिजिटल वॉइस या वीडियो हो, इस सारी जगह लगता है एडेप्टिव इक्वलाइजेशन। और ये ISI या इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को काउंटर करने के लिए, इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व्स गैदरिंग डिस्पर्स सिंबल एनर्जी बैक इनटू ओरिजिनल टेंजिबल। मान लीजिए आपके पास गया तो ये करता क्या है, ये करता ये है कि जो डिलेड सिग्नल आ रहे हैं उनके कारण इंटरफेरेंस हो रहा है उसको रोकता है। तो कोशिश ये की जाती है कि सबको गैदर किया जाए और एक साथ यहाँ पर लाया जाए। टेक्निक इसमें है लंप्ड एनालॉग सर्किट्स, सोफिस्टिकेटेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम इसमें यूज होते हैं। अब डायवर्सिटी टेक्निक की बात करें, डायवर्सिटी तो ये उस फैक्ट पे बेस्ड है दैट इंडिविजुअल चैनल्स एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट फेडिंग इवेंट्स। जितने भी अलग अलग चैनल हैं वो अलग अलग फेडिंग इवेंट्स, जो मैंने फेडिंग इवेंट्स अलग अलग बताया, वो फॉलो करते हैं। तो स्पेस डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि टेक्निक्स विच इन्वॉल्व फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ, क्योंकि यह स्पेस डाइवर्सिटी है। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि टेक्निक जहां पर वेयर द सिग्नल इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, जहां एक बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड पे सिग्नल आपका फैला हुआ है, या फिर और कैरिड ऑन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कैरियर्स। इसके अलावा टाइम डाइवर्सिटी होती है, टेक्निक्स विच आर एम्ड एट स्प्रेडिंग द डेटा ओवर टाइम। तो स्पेस में डाइवर्सिटी, फ्रीक्वेंसी में डाइवर्सिटी, टाइम में डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि हम जानते हैं कि जो जो इंडिविजुअल चैनल्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं इंडिपेंडेंट फेडिंग इवेंट्स, इसे हम डाइवर्सिटी टेक्निक होते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की एंटीना प्रोपगेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।